सही कहा था उपासन जी, हमाओं के कुछ दाल में काला लगा था। पहले पोपटलाल गायब होता है, फिर उसका फोन स्विच ऑफ होता है। पटेल पांडे जी, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, गोकुलधाम सोसाइटी का क्लब हाउस है। जानता हूं मास्टर जी, लेकिन अब यहाँ सेलिब्रेशन नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। हमने तो घाव में भी बता दिया, आज अच्छा मुहूर्त, आज मधुबाला बिटिया की हम सगाई कर रहे हैं। बड़ा फंक्शन रखे हैं हम अगले हफ्ते गांव में, क्या बताइए सबको, क्या मुंह दिखाइए बताइए। हाँ चला गया ये, अरे कहा लड़का ढूंढा रे। पांडे जी बोलिए ना भाई, जो आप अपने स्टेशन में बोलते रहते हैं पुलिस स्टेशन में। हम एक चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अब करिए ना यहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन। वही 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 बोलने वाला था बासुंदी, वही बोलने वाला था। अच्छी तरह तुम लोग जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। बताओ पोपटलाल कहाँ है? हमें नहीं पता पांडे जी, हमें नहीं पता। तुम लोग को अलग से बोलना पड़ेगा। नहीं उधर उधर उधर, मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि पोपटलाल कहाँ है? पांडे जी सीरियसली, सबके मिली भगत है पोपटलाल के गायब होने में। जेठालाल, जेठालाल कहाँ है? ओ चाचा जी, हाँ? आपका सुपुत्र कहाँ है? ओ जेठे अभी दुकान से आ ही रहा होगा। हाँ। वो नहीं आएगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ पोपटलाल के गायब होने में उसी का हाथ है। हाँ कल कर रहे हो? अच्छे, इस बार लड़की तैयार है, पोपट भाई गायब है। अब आंखों आंखों में डिस्कशन बंद करो और जेठालाल को फोन लगाओ। मैं लगाता हूँ फोन। जेठालाल ने फोन काट दिया। हाँ काट दिया भिड़े, क्योंकि काट दिया क्योंकि मैं आ गया, इसलिए सॉरी सॉरी, आने में देरी हो गई, इसलिए सॉरी सॉरी, सबको सॉरी 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 बापू जी सॉरी। क्या सॉरी, क्या सॉरी जेठिया, दो बार तूने मुझे बोला था। बापू जी चिंता मत कीजिए, मैं लेट नहीं होऊंगा। बापू जी चिंता मत कीजिए, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। बापू जी यहाँ टाइम पे पहुँचने के लिए आज हमने दुकान भी जल्दी बढ़ा ली, पूछे नटू काका बागा से। और दुकान बढ़ा के हम लोग निकल ही रहे थे कि मुझे एक व्यापारी का मीटिंग के लिए फोन आ गया, तो मैंने उनको बोला भी कि भाई आज रहने देते हैं, मीटिंग कल करते। उन्होंने बोला कि नहीं कल तो मैं नहीं रहूंगा। नहीं मतलब वो कल सुबह 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर गाँव जा रहे थे, तो फिर अर्जेंट मुझे मीटिंग करने के लिए जाना पड़ा। और मीटिंग भी मैंने फटाफट पटा ली बाबूजी। और मीटिंग खत्म करके जैसे मैं उनके ऑफिस से बाहर निकला तो क्या देखता हूँ? क्या? बाहर रास्ते पे बारिश की वजह से पानी भर गया था। अभी वो पानी में से मैं गोकुलधाम सोसाइटी तक कैसे पहुंचाऊं, मेरा तन ही जानता है बाबूजी। जेठालाल मेरा मन ही जानता है ऐसा बोलते हैं। अरे मन का क्या है भाई, वो तो अंदर पड़ा है, पानी में से तपलिक सहन करके तो तन ही आया ना। मैं जो बोला वो बराबर है भाई, मेरा तन ही जानता है। फिर भी मुझे आने में लेट हो गया, उसके लिए आप सबको तहे दिल से सॉरी कहता हूँ, खास करके पोपटलाल को सॉरी कहता हूँ। पोपटलाल कहाँ है? जेठालाल ये तुम बताओगे
कि पोपट लाल कहाँ है। मैं कैसे बता सकता हूँ? अच्छा, ए जेठालाल, मेरे सामने एक्टिंग मत करना। मुझे पूरा यकीन है कि पोपटलाल को छुपाने में तुम्हारा और गोकुल थाम वालों का हाथ है। अरे नहीं, क्या बोल रहे हैं पांडे जी? पोपटलाल को तुमने और गोकुल धाम वालों ने मिलकर छुपाया है। छुपाया? हाँ छुपाया है। हाँ, पोपटलाल गायब है। पोपटलाल कैसे गायब हो सकता है? उसी की तो आज सगाई है। हाँ, फिर भी गायब है। गायब है मतलब वो क्या यहाँ आया ही नहीं? ये तो गजब हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभाल के बबीता जी। छील छील रिलैक्स। लूडो खेलो, जलसा करो, डाउनलोड एंड प्ले नाउ।